लोग हैं, कोई कैंसर का है, कोई हेपेटाइटिस का है, कोई हार्ट का है, उनकी हिम्मत ही खत्म हो गई है कि वो घर से बाहर निकल सकें। इतना गटर सेवरेज सिस्टम है वहाँ पे। अपनी पार्टी के लोगों को पैसे दे देना कि काम करा दो, तुम नाले तुम साफ कराओ, गटर के ढक्कन तुम कराओ, आज तक नहीं। वो पैसे खा के घर गाँव में महल बना लिए हैं, लेकिन यूसुफ गोट वैसे का वैसे है, उससे बदतर से बदतर होता जा रहा है। हम अपील करते हैं मुर्तजा वहाब से कि तुम खुद काम कराओ, तुम्हें वहाँ किसी भी पीपल्स पार्टी के अहदेदार को देने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला साहब ने खुल के फ़ंड दिया है, बिलावल साहब ने खुल के फ़ंड दिया, जरदारी साहब ने खुल के फ़ंड दिया, उस फंड को इस्तेमाल करो, ना अपनी पार्टी के लीडरों का सर झुकाओ। और ये 15 दिन का काम है, 15 दिन में हमने अभी सीसी गलियां करवाई हैं और एक दिन में एक गली सीसी होती है। इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी टीम के बाद ये 15 दिन में पूरा इलाका डेवलप कर सकते हैं। कब तक ये लोगों का इसी तरह ही हाल रहेगा? कब तक इनके दुख सुना के कमाते रहोगे? बेवाओं का फंड खा जाते हो, यतीमों का खा जाते हो, गटरों का खा जाते हो, नालों का खा जाते हो, कोई तो जगह छोड़ो भाई। शौक तो पूरे कराची में कब्जा करने का है, कब्जा कर रहे हो कराची के ऊपर, काला कानून लेके आए हो, वो काला कानून भी नामंजूर है। कराची की आवाम के साथ कराची के बेटे निकले कराची का हक लेने, यूसुफ गोट का हक लेने, हक लेके रहेंगे जब तक नहीं उठेंगे। मुर्तजा वहाब वैसे भी चोर आदमी है, कहा कब पैसे नहीं मिले इसको, सारे पैसे खा गया हमेशा ही है। क्या बनवाया इसने, जब ही तो इलेक्शन भी हार जाता है, अब क्लिफ्टन का काम करवा रहा है, खाली क्लिफ्टन का रिपेयर करवा रहा है, पुराने पार्क रिपेयर करवा रहा है, बस और क्या कर रहा है। एक 15 दिन लगा दे यूसुफ गोट, क्या डूबने का इंतजार कर रहा है कि फिर 50 अरब ले लेगा और फिर बनाएगा? नहीं, फिर डूबने का इंतजार कर रहा है। और भाई लोगों को जिंदा रखो, चीफ जस्टिस साहब ने कैसे बेइज्जत किया, फिर भी समझ नहीं आ रहा, इज्जत राजी नहीं है इनको किसी तरह भी, इसको नाहिल करार देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब आपको सुमोटो एक्शन ले यूसुफ गोट के ऊपर, चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ, डिप्टी मेयर पीस पाकिस्तान मैं अपील करता हूँ कि सुमोटो एक्शन ले चीफ जस्टिस साहब। 10 साल से इलाका डूबता, 10 साल हो गया ये करीमी चुरंगी से जो रोड जा रहा है जीएसएन को, 10 साल से इलाका डूबता है, यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, ये जब लोग डूब जाते हैं तो एक देख खाना खैरात कर लेके आ जाते हैं, बांटने के लिए अपनी पिक्चरें बनवाते हैं। उन्होंने 10 साल बाद काम शुरू कराया नाले का, उस नाले को बीच में छोड़ दिया, जहाँ से 10 या 15 लाख मजीद लग गया तो नाला कंप्लीट हो, इलाके का पानी बाहर को जाए। इतने बेगरत, इतने बेहया, इतने बेशर्म हैं कि इनको ये नहीं कि भी हर साल लोग डूबते हैं, कमज में नाला तो मुकम्मल कर दो, दूसरे काम तो तुम छोड़ो, खुदा के बंदे लोग मस्जिद को नहीं आते, सारे गंदे पानी नपाक पानी भरे हुए हैं, लोग घरों को नहीं आते, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकता, कोई गाड़ी नहीं आ सकता, कोई मैयत कांधे पे लेके नहीं जा सकते। अरे शर्म करो, हया करो, तुमको 70% टैक्स कराची दे रहा है।